ऐसे जो इन वीडियो को डाउनलोड भी करके फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके क्लिप है छोटी छोटी बना के व्हाट्सअप ग्रुपों में भी आप सब शेयर करते हो। ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि आप सब कम से कम इन संस्कारों से जुड़ रहे हैं। हमें खुशी होती है कि आप सब इस धर्म मार्ग से जुड़ रहे हो और आप सब केवल कागजी हिंदू बनकर नहीं लेकिन आप गुणों से भी हिंदू सनातनी हिंदू बनने का प्रयत्न कर रहे हो। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले 6 दिनों से आज का 6ठा दिन है, आज 6ठा संस्कार हम बताने वाले हैं, लेकिन उससे भी 2 दिन पहले मतलब समझ लो 7-8 दिन से बहुत कुछ प्रश्नों के समाधान आपके हमने यहाँ से किए हैं। इसकी हमें भी बड़ी खुशी है कि हम आपके समाधान कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें ये भगवा धारण करना क्या संन्यास लेना जिसका अर्थ ही होता है संन्यास लेने के बाद फिर वो जीवन स्वयं का नहीं रह जाता, वो समाज का हो जाता है। और समाज के आप कितने उपयोगी बन पाते हो, समाज के लिए आप कितने उपयोगी हो पाते हो, वो इसी से पता चलता है कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों का समाधान हुआ। तो लगभग मैं तो यही देख रहा हूँ कि आप सब हमसे जुड़ रहे हो और आपके प्रश्नों का समाधान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा भी जीवन सार्थक हो रहा है ऐसा हम मानते हैं। आज हम निष्क्रमण संस्कार के बारे में जानेंगे। ये 6ठा संस्कार होता है, यूँ कोई बड़ी बात नहीं है निष्क्रमण संस्कार या कुछ ऐसी पूजा अर्चना करनी होती हो, बड़े बड़े कोई यज्ञ करने होते हो, ऐसा यह संस्कार नहीं है। ये बड़ा साधारण सा संस्कार है। ये संस्कार में होता क्या है, बोले निष्क्रमणाद आयुषो वृद्धिर अप्युदिष्टा मनीषी भी। माने बालक की आयु जब 6 महीने की हो जाए उस समय उसे पहली बार भगवान सूर्य के दर्शन कराना, घर से बाहर निकलवा, इसे कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। इसके भी मुहूर्त होते हैं, तिथि होती है, वार होता है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा वो बातें, लेकिन पहले मैं भूमिका बना लूं कि जैसे ही हमारा गर्भाधान संस्कार हुआ, उसके बाद सिमंतोनयन हुआ, उसके बाद जात कर्म हुआ, फिर नामकरण, ऐसे संस्कार उसके बाद हमारे यहाँ ये कहा गया, देखो ऋषियों ने कितनी छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रखते हुए ये सारे निर्णय लिए कि बालक 9 महीने गर्भ में रहता है, गर्भ में किसी प्रकार का लाइट प्रकाश बल्ब नहीं लगा होता, अंधेरा होता है और बालक बहुत सुकोमल अवस्था में होता है और अंदर बहुत सी पीड़ाएं झेलता है। हमारे थोड़ी सी चोट लग जाए तो हमारे मुंह से आह निकल जाती है, चीख निकल जाती है, आंखों से आंसू निकल जाते हैं। आप और हम माता के गर्भ से जब जन्म लेते हैं तब बालक को, माता को तो जो पीड़ा होती है वो तो माँ ही जानती है, लेकिन बालक को इतनी पीड़ा होती है मानो शरीर की 206 हड्डियाँ किसी ने तोड़ दी, मरोड़ दी, इतना कष्ट माता को और बालक को दोनों को होता है। वो कष्ट सब हम सब झेलकर बाहर आए हुए हैं। 100-100 बिच्छू काटे उतना दर्द हो, 1 बिच्छू काटे तो मरने की नौबत आ जाती है, मौत मांगने लग जाता है जीव, लेकिन वो माँ वो बालक दोनों ये दर्द सहन करके ही करते हैं और फिर बालक जन्म लेता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गर्भ से बालक जैसे ही बाहर आया तो उसे आदत 9 महीने अंधेरे में रहने की, तुरंत अगर आप सूर्य प्रकाश में ले आते हो, या आजकल तो नया दौर चल पड़ा है बच्चा हुआ नहीं कि उसके फोटो खींचने लग गए, वो उसको बोलते अरे यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, इशारा करते और वो इशारा देखकर वो बालक उस कैमरे में देख लेता है और वो तुरंत फ्लैशलाइट उसके आँखों में जाती है तो उससे उस शिशु की आँखें कमजोर पड़ जाती है। हमारे ऋषियों ने कहा कि जब तक बालक 6 महीने का न हो जाए, 4 महीने 6 महीने का जब तक न हो जाए तब तक उसे ऐसे कमरे में रखे जहाँ रोशनी कम से कम आती हो। मतलब हमारे यहाँ तो ये कहा गया है क्योंकि पूर्व के समय में तो बल्ब होते नहीं थे, तो कहा गया कि एक दीपक की लौ में उस कमरे में प्रकाश कितना हो, बोले एक दीपक जलता रहे और उस दीपक के प्रकाश में जो कुछ भी दिखे बस उतने प्रकाश में वो बालक रहे तो उसकी आंखों की बीमारी उसे कभी नहीं होती, सोचिए। और हमारे यहाँ निष्क्रमण संस्कार रखा गया कि 6 महीने बाद उस बालक को बाहर निकाले, प्रथम बार भगवान सूर्यदेव के दर्शन करवाए, तब
मान लो आगे आएगा भगवान सूर्य के दर्शन, विधि बताई जाएगी कि कैसे सूर्य भगवान के दर्शन का। तो उसमें भी जब बालक को बाहर लाए, उससे पहले पिता घर के बाहर आके भगवान सूर्य के सामने भगवान सूर्य को देख के प्रार्थना करता है और सूर्य भगवान को कहता है कि हे प्रभु, आप आकाश में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो, आप प्रकाश रूप से प्रकट हो, लेकिन आप सौम्य रूप से हमारे घर के द्वार पर आइए और आपका प्रकाश कुछ शीतल कीजिए, सौम्य रूप से आप मेरे बालक को आशीर्वाद देने आइए ताकि वो आपका सानिध्य पाकर, सूर्य भगवान रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, हर प्रकार के जीव जंतुओं को, विषाणुओं को, बैक्टीरिया को, हानिकारक बैक्टीरियों को नष्ट करने वाले, तो उनसे ऐसी प्रार्थना करें कि इसके स्वास्थ्य की कामना करें, इसके बल, ओज, तेज, वीर्य की आप वृद्धि करें, ऐसा भगवान सूर्य से आशीर्वाद मांगे और फिर मंत्र बोलते हुए उस बालक को सूर्य प्रकाश में ले आए और सूर्य भगवान के दर्शन कराए। ऐसी सुंदर व्यवस्था किसी संस्कृति में है तो वो केवल 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 हमारे सनातन भारतीय ही संस्कृति में है, हिंदू संस्कृति में है, अन्य किसी भी संस्कृति में ऐसा नहीं। विदेशों में जाकर देख लो, बच्चा जन्मता है तो उसको लेकर कहाँ कहाँ घूमते हैं, छाती पे बांध के घूमेंगे, वो ट्रॉली में लेकर घूमेंगे और सबको दिखाएंगे, फोटो खूब खींचेंगे, परिणाम स्वरूप उस बालक को बचपन में ही आँखों में चश्मे लग जाते हैं, आँखें कमजोर हो जाती है, थोड़ा सा पढ़ा न पढ़ा आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। तो ये सब ये संस्कार नहीं करते इस कारण से होता है। तो 6 महीने तक तो बालक को बाहर न लाया जाए, अंदर ही रहे, ऐसा हमारे यहाँ कहा है। और जो 6 महीना नहीं वेट कर सकते, कम से कम 3 महीने का तो समय ऐसा बताया है कि बालक को सूर्य प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। अब मैं आपको वो विधि बताता हूँ कि कैसे बालक को 6 महीने बाद गर्भाधान, माने उसका जन्म हो जाए उसके 6 महीने बाद कैसे उसे बाहर निकालना है। विधि सुन लीजिए। शिशु का पिता पंच महाभूतों के अधिष्ठाता देवताओं से दीर्घायु कल्याण की कामना करे और ये निष्क्रमण के समय, माने उस बालक को जब घर से बाहर लाए उस समय ये मंत्र बोले। मंत्र है, शिवे ते स्ताम ध्यावा पृथ्वी असंतापे अभिश्रियो शम्ते सूर्य आतपतु शम्वातो वातु ते रदे शिवा अभिरक्षन्तु त्वायो दिव्याः पयस्वतिः। ये बोले, इसका अर्थ होता है कि हे बालक, बालक को देखता हुआ उसके सिर पर हाथ घुमाता हुआ कहे कि हे शिशु, हे बालक, या उसका जो नाम आपने रखा हो नामकरण संस्कार के दिन, उस नाम से बालक को पुकारे और कहे कि तेरे निष्क्रमण के समय द्यूलोक तथा पृथ्वीलोक कल्याणकारी हो, सुखद और शोभास्पद हो, सूर्यदेव तेरे लिए कल्याणकारी प्रकाश करे, तेरे हृदय में स्वच्छ कल्याणकारी वायु का संचरण हो, दिव्य जल वाली गंगा यमुना आदि नदियां तेरे लिए निर्मल और स्वादिष्ट जल वहन करे, इस प्रकार से उसे आशीर्वाद दे। और ये पंच महाभूतों के द्वारा जो हमारा शरीर बना, तो ये पंच महाभूतों के अधिष्ठातृ देव भी हैं, उनको प्रणाम करे और उनको कहे कि हे पंच महाभूतों के अधिष्ठाता देवो, आपकी कृपा से ये बालक जन्मा है, अब आपकी कृपा से इस बालक की आयु दीर्घ हो, ये बालक स्वस्थ रहे, ऐसी आप कृपा करें, इस प्रकार से कहें। कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि जन्म के बाद 40 दिन तक घर से इसलिए नहीं निकालते क्योंकि छोटे बालकों पर अदृश्य जो शक्तियाँ होती है, मैली शक्तियाँ होती है, या गांव की भाषा में कहे तो लोग कहते हैं परी लग जाती है, माने परी की दृष्टि में आ गया, तो कई बालक ऐसे मंदबुद्धि हो जाते हैं। कई बालक, बुजुर्गों का मानना है, जो उक्तियाँ मैं सुनता आया हूँ और कईयों से सुनी है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ, मैंने आँखों से नहीं देखा, लेकिन
लोग कहते हैं कि 40 दिन के भीतर भीतर बच्चा जन्म हुआ बालक का और उसे 40 दिन के पहले अगर घर से बाहर निकाला है तो बुरी शक्तियाँ उस पर हावी हो जाती हैं, क्योंकि हो सकता है वो सूतक काल में अशुद्धि का ध्यान न रखते हो, तो हो सकता है बालक को वो ग्रसित कर ले या बालक को कोई उठा कर ले जाए। दिव्य शक्ति तो नहीं, मैली शक्तियाँ कह सकते हैं, परी लग जाती है। आकाश मार्ग में बहुत सी ऐसी वस्तुएं घूमती है जो हमें दिखती नहीं है, ऐसी शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ घूमती हैं जो कभी उस बालक को बड़ा सुंदर और देखकर कभी उनके मन में आ जाए कि अरे ऐसा बालक हमारे पास भी हो तो कितना अच्छा, और वो बालक को ले जाने की कोशिश करे, ऐसा भी देखा गया है। हालांकि बुद्धिजीवी इसको अंधश्रद्धा मानते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं, हमारे पूर्वज कहते आए हैं, तो उसमें कुछ तो सत्यता होगी। और हम पूर्वजों के किसी भी परंपरा को या किसी भी कहावत को हम नकार नहीं सकते।